यार हल्का काहे को सामने आया रे पागल, में मारेगा क्या साला कुत्रिया। या भाई तू तो मजाक का भी बुरा मान गया रे। Who are you? ये तू पहचाना नहीं ना मेरे को? नहीं। ये भाई तू मेरा छोड़, इसके बारे में जानता है कौन है? कौन है ये? अरे ये सुपर स्टार, मेगा स्टार, सबसे महंगा स्टार, सबसे बड़ा स्टार, राजेश खन्ना का दामाद है रे। इसने खुद भी कुछ किया है क्या? हाँ एकदम घटिया एक्टर था रे, 6 फिल्में बनाई उसके साथ साली सारी की फ्लॉप हो गई। कौन था? यार सैफ था रे उसका नाम। तो कैसे हैं मित्र राजीव भाती और अकीत कुमार? लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं, हमने 13 फिल्में एक साथ की और आपको मैं याद नहीं। I'm a kind of hurt, Mr. Aki. हाँ yeah, I remember. No, you don't. तुम जैसे सक्सेसफुल एक्टर की यही प्रॉब्लम है कि भूखे नंगे एक्ट्रेस को याद नहीं रखते। पर अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब मैं भी उतना ही सक्सेसफुल हूँ। अच्छा हम सक्सेसफुल नहीं होता रे, सक्सेसफुल होता रे। हाँ तो वही जो इस बुद्धे ने बोला। ये साला कुत्रे माहिला मुर्ख को बुढ़ा बोलने कर रहा है, ये किसको बोल रहा है बुढ़ा तू? हे लेके जाओ इसको। ये साला मारेगा तू प्लास्टिक का कीड़े पड़ेंगे, तेरा बवासीर होगी रे बावर राजो, इसको पिक्चर नहीं देने का रे साला। तो मित्र अकी हम कहाँ थे? भोगे नंगे एक्टर को याद नहीं रखते। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे वही हाल करूँगा जो इनका किया है। कौन सा मिस्टर श्याम? तुम्हें मेरी बेटी कातिया के साथ एक फिल्म करनी होगी। उस माचिस की तिल्ली के साथ वो जब घर से निकलती है तो दीवार पकड़ के चलती है, कहीं हवा का झोंका उसे उड़ा के न ले जाए, और शक्ल तो उसकी इतनी गंदी है, ऊपर वाले होठ का वजन नीचे वाले होठ पर पड़ता है, तो नीचे वाले होठ की शेप टायर जैसी हो गई है। तो अब मिस्टर अकी तुमको सक्सेसफुल एक्ट्रेस को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्री पे तो मैंने कब्जा कर ली है। ओके ठीक है, मैं बाहर कैंप लगा लेता हूँ, पर कार्तिक के साथ फिल्म नहीं करूंगा। ये रोटी है या नान है? हे भगवान, या तो नान निकले या जान निकले। मुझे 10 रुपए दे दे कि मैं जाकर बड़ा पाव खा लूंगा, मुझसे तेरी बीवी के हाथों की रोटियां नहीं खा जाती। एक्चुअली ये दोनों गलत है। अगर हम इस रोटी को 25 टाइम चबाएं और 2 टाइम्स बीच में पानी पिए तो हम इसको खा सकते हैं। I am a perfectionist. देखो और चबाने का एंगल 175 डिग्री का होना चाहिए। उत्तरी ये साला कैंप में कोई डिसिप्लिन नहीं है रे बाबा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तुम लोगों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, जहाँ मैंने कभी नेल पेंट भी नहीं लगाया अपने आप। ये बड़े लोग हैं, बाबूजी की तरह हुक्म चलाकर निकल जाते हैं। आटा गूंथने में कितना पानी लगता है पता है तुम लोगों को? कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी आटा, और बाद में तुम लोगों के नखरे झेलो। और तुम इन्हें सुनाए जा रहे हो जबकि तुम लोगों को अपने सामने खड़े करने वाले भी यही हैं, समझे? इतना काफी है या कुछ और बोलो? ये थोड़ा पानी मिलेगा क्या धोने के लिए? मेरे को कागज से पहुँचना अच्छा नहीं लगता रे। चुप, समझ नहीं आता बुड्ढे, चुप हो जाओ। हे भगवान कोई रास्ता दिखा, सारी इंडस्ट्री पे शाम ने कब्जा कर लिया है, कोई रास्ता दिखा हे भगवान। ये बाबर पावा, तू काहे को इतना हिलता रहा? तेरे को मिर्गी का दौरा पड़ता क्या? बट आई कैन नबड़ी कैन देख सकता हूं मिर्गी का। हम तुमसे कुछ नहीं लेके जाएंगे वहां तुम सबसे।
पर सर हम जाएंगे कैसे, यहाँ पे ना तो एयरपोर्ट है ना फ्लाइट। What did I say? What I can lubricate, that's why I'm deadly gun. तो उस दिन सुपरस्टार रजनी ने एक ही फ्लाइट में सबको कुत्तों की तरह भर कर ले आए। दुनिया में ऐसा चूतियापंती का काम ना पहले कभी हुआ था ना कभी होगा।